हाय एवरीवन, दिस इज रितेश कसरवानी। वेलकम टू मेंटल अड्डा। इस वीडियो से आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सेल से जुड़ी हुई उन तमाम ट्रिक्स को, टेक्निक्स को सीखने वाले हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बनाने वाला है। दोस्तों, एमएस एक्सेल की हर एक उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जिसका अपना खुद का बिजनेस है या फिर वो किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों को ट्रैक करने के लिए चाहिए होती है आपको एक ऐसी स्प्रेडशीट, एक टेम्पलेट जिसमें आप उन सारी चीजों को मैनेज कर सके, ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, उन तमाम फॉर्मूलेस को अप्लाई कर सके जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाती है और आपको एनालिटिक्स करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है, फिर चाहे वो रिपोर्ट के फॉर्म में हो या किसी डेटा रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं कस्टम लिस्ट। अब ये कस्टम लिस्ट क्या होती है? तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कस्टम लिस्ट की जरूरत क्या है। मान लीजिए अगर आप किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एचआर में है, टीचर है, ट्रेनिंग करते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर है जिसमें आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें आपको डेली कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है? आप डेली अपने सिस्टम पे आते हो, फिर से उन लिस्ट को मैन्युअली टाइप करते हो, उसके अगेंस्ट एक एक्स डेट का नंबर आप उसमें अपडेट करते हो, फिर उसमें आप एनालिसिस करते हो या फिर उसमें फर्दर आप कैलकुलेशंस करते हो। कैसा रहेगा अगर ये डेली लिस्ट पलक झपकते चुटकियों में आपके सामने आपकी एक्सेल शीट में आ जाए, जिससे आपका हीरो समय बच सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं बेस एक्सेल में और सीखते हैं कि किस तरह से हम खुद की अपनी कस्टम लिस्ट को बना सकते हैं, और उससे पहले हम ये भी सीखेंगे कि कस्टम लिस्ट होती क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं एक्सेल में। फ्रेंड्स, एक्सेल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने दे के रखी होती हैं। इन्हें आपने अगर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेट्स से आपको वीक का डेटा चाहिए, तो अभी हम क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं मंडे, देन हम टाइप करते हैं ट्यूजडे, एंड देन हम फर्दर डेज को टाइप करते हैं। तो ये मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, मंडे को अगर आप इस सेल को ध्यान से देखें, इस सेल के कॉर्नर्स को अगर आप और भी ध्यान से देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंटर बना हुआ है इस साइड में, एग्जैक्टली यहाँ पर। अभी इसी पॉइंटर को अगर आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, संडे तक का डेटा आ जाएगा। ना सिर्फ संडे तक का, बल्कि अगर आप इसको नीचे भी ड्रैग करेंगे तो अगेन मंडे से स्टार्ट होकर ये संडे तक आ जाएगा। दैट इज योर कस्टम लिस्ट। अब ये कस्टम लिस्ट बाई डिफॉल्ट एक्सेल ने आपको बनाकर दे रखी है। क्या ये सिर्फ ऊपर से नीचे ही ड्रैग की जा सकती है? जी नहीं। अगर आप इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे इसी कॉर्नर को पकड़कर, तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और फर्दर अगर आप इसको लेके जाएंगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे या फिर मंडे से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या ये राइट ही हो सकता है? क्या लेफ्ट भी हो सकता है? जी हाँ, लेफ्ट में भी किया जा सकता है। अगर आप इसी कॉर्नर को पकड़कर लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो अब ये देखिए पीछे से डेटा स्टार्ट हो रहा है। मंडे से पहले आता है संडे, उससे पहले सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, और इस तरह से आप अपनी लिस्ट को दे सकते हैं। तो ये हमारी एक कस्टम लिस्ट बाय डिफॉल्ट वीक को लेकर बनी हुई है, एक्सेल ने दे रखी है। इसे आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपने यहां टाइप किया सिर्फ मंडे। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी मंडे को मेंटेन करते हैं तो भी एक्सेल इस चीज को आइडेंटिफाई करता है। उसे पता है कि आप मंडे के बारे में बात करें। अगेन इसी छोटे से राइट कॉर्नर को अगर आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे संडे तक का डेटा आपका बड़ी आसानी के साथ शॉर्ट फॉर्म में ये आपका अपडेट हो गया। इसी तरह इसे आप राइट में, और इसी तरह अगर आप लेफ्ट में ड्रैग करेंगे तो भी आपको ये डेटा मिल जाएगा। क्या मंथ में भी ऐसा कुछ होता है? चलिए एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं सिर्फ जैन लिखूं, जिससे मेरा मतलब है जनवरी, तो अगर मैं क्या इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो क्या फेब, मार्च, मई, अप्रैल इस तरह से डेटा आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए पूरा दिसंबर तक का डेटा इसी फॉर्मेट में आ गया, और नीचे फर्दर लेके जाएंगे तो अगेन जनवरी से लेकर 12 यानी कि 12 महीनों तक ये डेटा आपको यहां पर निकाल कर देगा। अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं पूरा टाइप करूं तो? बिल्कुल, एक्सेल इसे भी आइडेंटिफाई करता है, उसे पता है कि आप मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये फुल फॉर्म में आपको दिसंबर तक का डेटा ऊपर से नीचे ड्रैग करने पर, नीचे से ऊपर ड्रैग करने पर भी ये डेटा काम करता है। तो लेट्स से अगर मैं यहां पर जनवरी तक का डेटा रिमूव कर दूं और लेट्स से मैं अगस्त से स्टार्ट करूं, तो अगेन क्या करना है, इट्स राइट हैंड साइड को इसको पकड़कर अगर आप ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ तो आप देखेंगे ये उल्टी दिशा में ये चीजें ऊपर भी अपडेट हो रही है। अगस्त से पहले आता है जुलाई, जुलाई से पहले जून, जून से पहले मई, इसी तरह अगर आप नीचे राइट और लेफ्ट करेंगे तो भी ये सिस्टम उसी तरह से काम करता है। नाउ अब सवाल यह है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक लिस्ट है जिसे आपको डेली अपडेट करना पड़ता है, नाउ लेट्स से आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है जिसे आप डेली अब मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन आप उन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन एक्सेल में टाइप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं किसी एक प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करें और उसको ड्रैग करें
और उसमें मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट लिस्ट वहां पर डिस्प्ले होती चली जाए, ठीक उसी तरह जैसे जनवरी फरवरी या मंडे ट्यूसडे की लिस्ट आपकी अपडेट हो रही थी। अच्छा, ये होगा कैसे और कहां से किया जा सकता है, चलिए वो सिखाते हैं। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस वीडियो का, जो आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, जिसमें आपको एक बार में आपने उस लिस्ट को कन्फिगर कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए आप जब भी आएंगे उस लिस्ट को आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ेगा और आपको अच्छा खासा समय आपका डेली यहां पर बच सकता है। अब इसको करना कैसे, सबसे पहले आपको यहां पर एक्सेल में स्टार्ट मेन्यू पे जाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए मेरे माउस के कर्सर को अगर आप ट्रैक करें तो अभी मैं बिल्कुल एक्सेल के एक आइकन पे हूं, इसे मैंने क्लिक किया। यहां से सीधे आपके पास एक ऑप्शन आता है एक्सेल ऑप्शन का। तो अगर तो आप ऑफिस 365 के अंदर है तो ये ऑप्शन आपको एडवांस के अंदर मिलेगा, और अगर आप ऑफिस 365 नहीं यूज कर रहे हैं, उससे पहले का कोई वर्जन है, तो यहां पर आपके पास पॉपुलर का एक आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। पॉपुलर के बाद यहां पर एडिट कस्टम लिस्ट का एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे कुछ उस तरह का पॉपअप आपके सामने आता है। आपको करना क्या है, लेट से आपने जो भी लिस्ट बना रखी है उसे कॉमा से सेपरेट करके आप अपनी पहले तो एक बार में जो आप बनाते हैं जिस शीट को आप पॉपुलेट करना चाहते हैं उसका डेटा कॉमा सेपरेट करते हुए आप उनको लिखते चले जाए कुछ इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट, मैं एक मान के चल रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका डेटा मेरे को मेंटेन करना पड़ता है। अब इसमें मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे अश्वा वन, एवरीडे वन, हार्ट वन, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं। आप एज्यूम कीजिए आपका जो भी प्रोडक्ट लाइन है या जो भी सर्विसेज है या जो भी लिस्ट है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, इसी तरह से कॉमा सेपरेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा कॉमा है, कॉमा सेपरेट करते हुए आप उसे एक लाइन में लिखते चले जाएं, उसे कॉपी पेस्ट कर लें। वंस दैट इज डन, अब आपको करना क्या है, सीधे ओके पे आपने क्लिक करना है। अब आपकी एक कस्टम लिस्ट हमेशा हमेशा के लिए रेडी हो गई। इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट टाइप करूंगा और आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा मेरे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पर अपने आप अपडेट होती चली जाएगी। तो लेट्स से मेरा यहाँ पे पहला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे डालता हूँ अश्वा वन। जैसे मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया, अब मैं इसको जैसे यहाँ पे ड्रैग करते चले जाऊंगा आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बाई डिफॉल्ट मेरे पास अपडेट होती चली गई है, ना कमाल की चीज। आप देखिए मैंने सिर्फ उसको ड्रैग किया और ये सारा डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पर डे टू डे की सेल जो भी होगी, डे वन की जो भी सेल होगी, मैं हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट लिख दूंगा। डे टू की जो मेरी लिस्ट होगी उसको मैं अपडेट कर दूंगा, और आगे मुझे डे वन और डे टू भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं इसी को एक यहाँ पर आगे बना दूंगा। तो ये एक्सेल आइडेंटिफाई कर सकता है कि आप डेज के नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपने एक का एग्जाम्पल दिया, दो का एग्जाम्पल दिया, मैंने करा क्या, यहाँ मैंने बस सिर्फ दोनों को सेलेक्ट किया और इसके आगे का जो छोटा सा पॉइंटर है उसको पकड़कर मैंने सिर्फ ड्रैग कर दिया, और इसको 7 दिन ही नहीं बल्कि आप इसको आगे तक भी इसको ड्रैग करेंगे, ये डेज आपके नंबर बढ़ाता चला जाएगा। अब जो भी डेटा है मैं यहाँ पर इसका डेली का डेली अपना डेटा स्टेटस मेंटेन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने कमाल की है ना ये कस्टम लिस्ट। चले मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी किसी दूसरे वीडियो में और आपको कुछ नई टेक्निक, नई टिप्स के बारे में सिखाता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।